अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त फैज़ खान आज भी पुरानी दिल्ली में खड़ा हुआ हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ एक ढाबे पे। इरफान होटल, इरफान ढाबा, कुछ भी आप कह सकते हैं। बहुत ही जायकेदार यहाँ के खाने होते हैं और सबसे बड़ी बात, पैसे बिल्कुल नॉमिनल, बिल्कुल कम पैसों के अंदर। तो आज वही आपको दिखाऊँगा, जायका आप तक पहुँचाऊँगा। जिनका होटल है उनसे बात भी करवाऊँगा, मिलवाऊँगा भी। तो बस वीडियो बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, खाना बहुत ही लाजवाब होने वाला है। चलिए चलते हैं होटल पे। देखिए जी, ये है चितली कबर का रोड, ठीक है, और सामने आप जीना देख रहे हैं, उसी जीने पे हमें जाना है। और ये सामने आप देखिए, ये देखिए, ये है छोटा सा ढाबा, होटल भी कह सकते हैं इसको आप। यहीं मिलता है बेहतरीन और सस्ता खाना। चलिए जी, मैं पहुंच चुका हूं इरफान होटल पर। अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए इरफान भाई जी। बहुत तेज़ भूख लग रही है, ठीक है जी, और जेब में पैसे थे कम। कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा कि आपके पास आ जाऊँ। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भाई हमारे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना है कि आप कम दामों के अंदर, कम दामों में अच्छा खाना और अच्छा, साफ सुतरा खाना और एकदम जायकेदार, ठीक है। और आज क्या क्या बना है ये बताएं, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए जी देखते हैं। काजू कीमा पनीर, देखिए जी, ये है काजू कीमा पनीर, ये देखिए, ये इनकी स्पेशल आइटम है जिससे हमारा होटल चलता है, बस ये समझ लीजिए आप। और क्या है ये आपका, ये तो खत्म हो चुकी है भी, अभी दूसरी आइटम बनी है, आलू पालक पनीर। 9 बजे और खत्म भी हो गई है, ठीक है ठीक है। ये है पाए, देखिए ढक्कन हटते ही खुशबू जो आई है ना पाई की, देखिए आप देख रहे हैं आप, अभी 9 बजे और खाना खत्म हो चुका है। और आप इधर आइए, ये आ गया आपका चिकन कोरमा, देखिए चिकन कोरमा है ये देखिए आप, ग्रेवी देख सकते हैं दानेदार बिल्कुल, ये देखिए बहुत बढ़िया। और ये है अचार गोश्त, देखिए ये है अचारी गोश्त, ये बफ में है, ये बफ में है, बड़े में है, इसमें चिकन में भी बनता है, ठीक है, और मुनासिब में होता है, मुनासिब रेट है, ठीक है ठीक है, वो तो भाई देखेंगे हम, हमें खिलाओगे आप, जी जी बिल्कुल। और ये बता चितली कबर है, आप ये बताइए सबसे पहले आपका यहाँ पर जो एड्रेस, अब एड्रेस बताइए, एड्रेस पूरा प्रॉपर बताना सही से बिल्कुल। जाओ जी, एक नंबर गेट से आप किसी भी पूछ सकते हो, इकबाल होटल बाजार चितली खबर फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, हाउस दुकान शॉप नंबर है 987 बाजार चितली खबर फर्स्ट फ्लोर इकबाल होटल। अच्छा, ये जो आइटम्स हैं डेली चेंज होती रहती है, 4 से 5 आइटम, ठीक है। और टोटल कितने आइटम्स बनाते हैं आप? 6 से 7-8 आइटम है, बनती रहती हैं, ठीक है। और सीजनल और काजू कीमा तो रहता है पर्सन। अच्छा, काजू कीमा रहता ही रहता है, बाकी कीमे के अंदर चिकन के अंदर आइटम बनती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है नीचे भी मैंने देखा, रोड पे भी लगती है, रोड पे भी लगता है मदीना मार्केट के पास। अच्छा ठीक है, वो कब से कब तक लगता है? वो रात को 9:30 से 12:30 बजे तक, ठीक है। और छुट्टी किसी दिन की? कोई छुट्टी नहीं है, सिर्फ ईद बकरीद की छुट्टी है, चलिए, और कोई छुट्टी नहीं। देखिए जी, कुछ भाई यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं और कुछ यहाँ पर लेने भी आ चुके हैं, जो खा रहे हैं उनसे पूछते हैं। भाई नाम बताइए अपना। मोहम्मद रफीक, ठीक है। क्या मंगाया था आपने? हमने काजू कीमा मंगाया था, ठीक है। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, टेस्ट अच्छा है। तो यहाँ पे पहली बार खाने आए या बार बार खाते रहते हैं? बार बार खाते रहते हैं। अच्छा, लोनी से आया हूँ, इनका काजू कीमा लेने, बहुत अच्छा है इनका। लोनी से काजू कीमा लेने यहाँ पर आए जी, मैं काम से आया था तो मैं काजू कीमा लेने भी आ गया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये निकल रहा है हमारा काजू कीमा। देखिए आरिफ इरफान भाई, सिर्फ उसी से हिसाब से निकालना जिस हिसाब से आप सबको देते हो। मैं वही निकाल रहा हूं, क्योंकि रेट उसी के हिसाब से लेंगे। नहीं, उसकी कोई ऐसी बात बस। ये जो प्लेट है कितने की है? ये हमारे पास ये काजू कीमा पनीर की जो प्लेट है वो अभी तो 70 रुपए की है, ठीक है। पहली मार्च से ये 80 रुपए की है, ठीक है जी। देखिए जी, ये है कोरमा, और कोरमे की तो आप यकीन करके मानिए, खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है, बहुत ज्यादा। ये देखिए जी, ये देखिए जी, यहाँ पर आपको जो कस्टमर हैं, ये कम जगह हमारे पास जो कस्टमर है 15 से 17 साल पुराने। अच्छा, देखिए 15 से 17 साल पुराने कस्टमर भी हैं यहाँ पर।
और इसका क्या प्राइस है इरफान भाई? 80 रुपए। ये 80 रुपए का है। ये अगर हुआ पहली मार्च से अगर हुआ तो ये 10 रुपए पड़ेंगे, वरना नहीं पड़ेंगे। देख चलिए जी, महंगा होता है तो ठीक है, वरना नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अचारी गोश्त की साइड। अच्छा, थोड़ा लाइट के अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये निकल रहा हमारा अचारी गोश्त। ये देखिए, इसमें ये थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। देखिए, अचारी गोश्त के अंदर हरा धनिया डालते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है। अच्छा इरफान भाई, इसमें जो ये रोटी चाहिए आपको, रोटी कौन सी लगाते हैं, खमीरी या चपाती? चपाती रोटी लगाता हूँ, तवे की रोटी, सीधा हाथ की, जो हाथ वाली रोटी। मतलब ये आटे की रोटी होती है, मैदे की नहीं होती। अच्छा, आटे की ही रोटी लगाते? आटे की लगाता हूँ, मैदे की नहीं लगाता। ये हमारा काजू कीमा, ये हमारा कोरमा, और ये हमारा अचारी गोश्त। और रोटी आप देखिए, ये जो रोटी है, ज़्यादातर आप बाहर रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो आपको मैदे की रोटी मिलेगी, सफ़ेद बिल्कुल। देखिए ये रोटी जो है, ये आटे की रोटी। इरफान भाई, रोटी का क्या रेट है? रोटी सिर्फ 5 रुपये। देखिए जी, रोटी 5 रुपये का रेट जो हर जगह चलती है। और जो इनका स्पेशल काजू कीमा है, जिसके लिए मैं आया था, वो मुझे मिल गया है। काजू भी आप देख सकते हैं, पनीर भी आप देख सकते हैं। ये काजू के पीस देखिए, ये पनीर के पीस देखिए, एक भरकर बाइट बिल्कुल। मजेदार भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। यहाँ पर आपको मटन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको चिकन, एक आइटम या दो आइटम चिकन की मिल जाएंगी, और 3 से 4 आइटम यहाँ पर आपको बफ की मिलेंगी। काजू कीमा भी बफ का है, लेकिन यकीन भाई, इरफान भाई मज़ा आ गया। बिल्कुल मज़ा आ गया। मैं चिकन में भी बनाता हूँ, मगर वो बनाया नहीं। अच्छा, आओ नंबर देना, जिस दिन चिकन का कल गया बुध, कल इंशाल्लाह आइए, आपको स्पेशल चिकन कचरी कीमा खिलाऊंगा। अच्छा, चिकन कचरी कीमा भी यहाँ मिलता है, लेकिन वो क्या है, वो डेज वाइज है वो। लेकिन काजू कीमा एक नंबर भाई। अब चलते हैं अपने कोरमे की साइड। कोरमे ये खुशबू मुझे बहुत लाजवाब आ रही थी। लेग पीस, सीने का पीस, लेग पीस खाएंगे भरकर। ओए होए, कल आओगे आप, कल आपको ना इंशाल्लाह कल भेजा चिकन कचरी के और आइटम भी। ओए होए 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 होए, और क्या निकाल दिया, हाथ गंदे हो जाते हैं खाना खाने में, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। आप मुकद्दम वो बैठक का दीवार आ गया, मजा तो हो गया। हेलो, जैसे बताया गया था बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। आपने जामा मस्जिद पर आकर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया होगा, कोरमा खाया होगा, चिकन कोरमा खाया होगा, लेकिन उसके आप रेट किसी को आप देते हैं 200, 250, 300 रुपये इस प्लेट की। 80 रुपये की प्लेट है, एक बंदा दो बंदा आराम से खा सकते हैं, और बिल्कुल टेस्ट ऐसा है लाजवाब है। मैं तो कोरमे का एक निवाला और खाऊंगा। किसी को किसी से कंपेयर करने ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों अपनी जगह एकदम 100 में से 100 नंबर। अब आती है बारी हमारे अचारी गोश्त की, जो बना है बफ के अंदर। ठीक है,
ये देखिए, ओ हो हो हो, शर्ट ख़राब हो चुकी है मेरी। कोई बात नहीं, गोश्त बहुत ही आराम से, ये देखिए एकदम गुलाबी गोश्त, ये देखिए। ये जो आप गोश्त खा रहे हो, ये गोश्त जो है पुट का है बच्ची। खाने के अंदर क्वालिटी इतनी बढ़िया है क्योंकि खाना बनेगा ही जब ही बढ़िया, जो उसके इंग्रेडिएंट ही बढ़िया होंगे। जैसे कि गोश्त, स्पेशल पुट का गोश्त है ये, बफ का, ठीक है। मसाले सारे एक नंबर की क्वालिटी के। अच्छा, ये जो बनता है इरफान भाई, ये घी में बनता है या तेल में बनता है? ये तेल होता है, तेल का होता है, मां कुछ तेल लगा दो, ठीक है। इसके अंदर जो ये बनता है तेल में बनता है, लाजवाब बिल्कुल। चलिए जी, आज ही मन्नू मेरे साथ है, ठीक है। और मन्नू ने क्या खाया? कीमा। ये तो कीमा खाया है, और ये कीमा भी बस एक मिनट लगेगा, पूरा ख़त्म कर जाएंगे क्योंकि खाने में स्पीड माशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं बोलता रहूँगा, ये खाते रहेंगे। लेकिन ये जो कीमा देख रहे हैं आप, लाजवाब कीमा है, बिल्कुल लाजवाब, लाजवाब। अच्छा, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मज़ेदार है। अच्छा इरफान भाई, एक चीज़ बताइए, ये चीज़ जो आपने खाने का जो सेटअप करा, जैसे आपने बताया कि अब्बू जान से सीख कर करा, तो ये खानदानी काम था, ये क्या था, कैसे शुरुआत की है? ये एक शौक उठा था। अच्छा, एक शौक उठा था, ये शौक उठा था मेरे वाली साहब को, मेरे वाली साहब के साथ साथ मैं लग गया था, ठीक है। तो ये शौक उठा था मेरे वाली साहब को सन 1991 में। 91 में वाली साहब को भी शौक हुआ था? शौक हुआ था कि खाना खोला जाए। खोला यार ऐसे ही। अच्छा, वो भी दो चार अंडे लेके बैठे थे, ठीक है। अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा था, ऐसा हाथ पकड़ा, आज मालूम है कारोबार की हालत क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम वो था जो आपने काजू कीमा खाया है, ये काजू कीमा किसी टाइम में हमने 4 घंटे के अंदर हमने जो है ये 100 किलो बेच दिया है। अच्छा जी, सिर्फ 4 घंटे में भाई, 4 घंटे में हमारी आइटम कम से कम 350 किलो आइटम थी, जो हम 4 घंटे में बेच दिया करते हैं। 4 घंटे में 100 किलो काजू कीमा। और ये काजू कीमा जो पनीर है, ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इसको ईजाद करने वाले वो मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा जी। जी, तो आप एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पर, खाना अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, रात हो चुकी है, घर भी जाना है। अभी मेरा प्रोग्राम चाय पीने का भी है, अगर चाय पीने गया तो आपकी वो वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।